जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो अपने शब्दों से समाज को उद्बोधित करें। सबको जय जोहर। आज लीलू बड़ी लिख की धरती पर आप सबको नमन। हमारे अभी पहले गणेश साहब ने बताया, मैं इसी बात के लिए थोड़ी बात कहना चाहूंगा कि आज सबके मन में एक ही बात आ रही होगी कि यहाँ सभी संगठन के लोग आए हुए, बीजेपी से भी आए होंगे, कांग्रेस से आए होंगे और दूसरे संगठन से भी आए होंगे, कि जय जोहर किसको बोल रहे। अभी सर से ही बात आ रही थी जय जोहर किसको बोल रहे, मैं इसी बात को बताना चाह रहा हूँ, जय जोहर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। तो आज एक बात इसी बात के दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, आज हमने 70 साल से राम राम सीताराम बोले, तब तो हम बोल रहे थे, आज जय जोहर बोल रहे थे, इन लोगों को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप सबको सोचना पड़ेगा। आज पूरे देश में एक ही बात चल रही है, धीरे धीरे आदिवासी को धीरे धीरे कैसे खत्म किया जाए, और आज हम किसी ने बीजेपी का झंडा पकड़ रखा है, किसी ने कांग्रेस का झंडा पकड़ रखा है। आज समाज की बात आती है, सब हम पीछे चले जाते हैं। आज ये लोग क्या कहते हैं कि आदिवासियों को वोट लेना है, दारू सना लो अपना वोट डाल दें, आदिवासी के वोट लेना दारू और सना। तो आज आदिवासी जागरूक हो गए, ये पहले वाला जमाना गया, अब तो आदिवासी खुद सिलेक्शन प्रणाली करके हमारा जो भी कैंडिडेट है उसको जिताएंगे। इसी बात को मैं उदाहरण दे रहा था, हमारे एमएलए साहब सागवाड़ा एमएलए साहब आपके सामने यहाँ बैठे हुए, और इनके साथ आज ये एमएलए साहब, अगर इस जगह दूसरा बीजेपी कांग्रेस का कोई एमएलए आता तो इनके साथ कौन आता, और इनके लिए मंच बनाना पड़ता है, और हम सबको सामने बैठना पड़ता। तो आप सबको जागना पड़ेगा और अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। एक भाई ने बताया था कि अभी आदिवासी की जमीन जा रही है, तो आप सबको इनको सपोर्ट करना है, और यह हमारी माता है, ये आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा धन है आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो आप इस बच्चे पढ़ जाएंगे तो आपका मकान भी कंप्लीट बन जाएगा, आपका बाथरूम बन जाएगा, और आपका परिवार भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आपके बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया लगा है, आपके सभी की संस्कृति अभी तक जिंदा है, छोटी छोटी हमारी ये गुड़िया है आज कितनी अच्छे कपड़े पहन के आई है। यह बात करके मैं हस्तांतरण करता हूँ। एक बात कहना चाह रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, कुछ लोगों को आप जगा दो, कुछ लोगों को हम जगा देंगे, यह बात करके मैं हस्तांतरण करता हूँ। सबको जय जोहर, जय आदिवासी, जय गुरु। और भोबट जी खोकरिया भाई साहब को खूब खूब जोहर, जो उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया यहाँ पर। और इसके बाद में मैं जोधपुर संभाग में तो वैसे हमारे सिरोही